28 अप्रैल की तारीख देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई है, क्योंकि हमारे इन मेहनतकश लोगों ने कठिन से कठिन इलाकों में संकट झेल झेल कर पे बदत 12-12 लोगों ने ट्रांसफॉर्मर उठा करके, बड़े बड़े पिलर उठा करके, पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच पहुंच करके देश के 18,000 गांव जो 18वीं शताब्दी में जी रहे थे, बिजली गांव ने देखी नहीं थी, वो बिजली पहुंचाने का काम पूर्ण कर दिया। और इसलिए मैं देश के मजदूरों का, कामदारों का, इन मेहनतकश लोगों को आज प्रणाम करता हूं। हमारे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के नए सए अध्यक्ष अति उत्साह में कभी कभी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। अच्छा होता कि उनके मुंह से इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने वाले मेरे देश के मजदूरों के लिए दो अच्छे शब्द निकल जाते। गरीब मेहनतकश लोगों ने गांवों में उजियाला करने का काम किया, उसके लिए दो शब्द उनके मुंह से निकलते तो शायद मेरे मजदूरों के मन को लगता कि हमारे परिश्रम की क्या ताकत है। लेकिन वे तो नामदार है, कामदार की परवाह वो कभी कर ही नहीं सकते, और इसलिए उनसे अपेक्षा करना बेकार है। हमने समय सीमा पर गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा किया, लेकिन हम वहां पर रुकने वाले लोगों में से नहीं है। अब हमारा सपना है जिन घरों में बिजली नहीं है उन घरों में बिजली पहुंचाना, और आज गरीब परिवार ही हैं जहां बिजली नहीं है। और जो लोग दिन रात हमको गालियां देते रहते हैं, अनाप शनाप भाषा बोलते रहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आजादी के 70 साल के बाद आज भी क्या कारण है कि देश में 4 करोड़ परिवारों के पास घर में बिजली का दिया नहीं है? आजकल कांग्रेस में ऐसे लोग लीडरशिप कर रहे हैं जिन्हें न देश के इतिहास का ज्ञान है, जिन्हें देश के वंदे मातरम गीत का गौरव है, जिन्हें न देश के इतिहास का पता है, महापुरुषों का पता है। अरे उन्हें उन्हीं की सरकार के बातों का भी अता पता नहीं है। मैं जरा उनसे आज कुछ पूछना चाहता हूं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, हमारे आने से पहले सोनिया जी की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, और मनमोहन सिंह जी ने 2005 में कहा था, जरा हमें सवाल पूछने से पहले नेताजी जरा जवाब दीजिए, 2005 में उस समय की सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि वे देश के हर गांव में 2009 तक बिजली पहुंचा देंगे। आपकी माताजी मैडम सोनिया जी ने 2005 में मनमोहन सिंह जी के भी आगे एक कदम रख के कहा था कि 2009 तक, मनमोहन सिंह जी ने कहा था हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, आपकी माताजी ने कहा था हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, 2009 तक पहुंचाएंगे, 2014 तक आप बैठे थे, मेरे आने तक आप बैठे थे, क्यों काम नहीं किया, क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? और आप देश के गरीब मेहनतकश मजदूर जिन्होंने इतना बड़ा काम किया उनकी मजाक उड़ाते हो, मखौल उड़ाते हो,
बेइज्जती करते हो,